हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम तेरे बिन ड्रामे के प्रोमो का रिव्यू करने वाले हैं कि प्रोमो में क्या क्या हुआ, अगले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मीरब एज अ स्टूपिड लेडी बिहेव कर रही है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। वो हर चीज शुरू दिन से गलत कर रही है, चाहे कुछ भी हो, घर से भागना खुद का हो या मरियम को घर से भगाने का पूरा प्लान हो, सब कुछ गलत कर रही है। और लोगों ने तो बड़ी मीम्स बनाई थी कि हया काफी अच्छी है और ये मीरा बहुत बुरी है। और अब वो एक लड़के के साथ अपने पुराने आशिक से पकड़ी गई है और वो उसे सलाहें दे रहा था कि तुम तलाक ले लो। बड़ी मजे से सुन रही थी और उसके बाद कह रही है मुर्तसिम को, तुम मेरी बात तो सुन लो, तुम मेरी बात तो सुन लो। भाई तुम्हारी बात कैसे सुने मुर्तसिम, जब वो भाई साहब ने अभी तक तुम्हारी बात सुन रहा है और वो पीछे सुन रहा है कि वो लड़का तुम्हें बहका रहा है कि तुम तलाक ले लो और वो तुम तलाक नहीं ले रही। फिर तुम्हें गम भी वो है कि आंखों की ठंडक, भाई तुमने क्या किया है ऐसा है, तुम्हें माफ पे माफ किया जा रहा है, बदतमीजी पे बदतमीजी करी जा रही हो। अच्छा, कुछ लोगों का होता है ये ऑब्सेसिव लव ना, तो मुर्तसिम वो वाला करता है कि तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब जब उसने सिर्फ वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम वो चीट करे, तो वो उसने देख लिया तो वो अब भड़का हुआ है। और फिर मुर्तसिम की माँ ने बोला है कि घर लेके आओ उसे, और वो कहता है नहीं। और हया का कोई रोल दिखा नहीं पिछले कुछ किस्तों में, लेकिन हया बड़ी खुश है कि मेरी शादी होने वाली है मुर्तसिम से। अब देखो होता है क्या। बहरहाल मीरब ने तो हद कर रखी है भाई, हद कर रखी है। और उसे अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने गलती क्या किया है। उसने एक दफा बोल तो दिया कि मेरी गलती है, लेकिन अभी तक वो यार समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा आपको। अल्लाह हाफिज़।